लद्दाख के गनवान घाटी में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प में शहीद हुए जय किशोर सिंह के परिजनों से मिलने बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहीद के तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया तथा शहीद के परिजन की बात सुनी और उन्हें धैर्य बधाया। इसके बाद शहीद के श्राद्ध कर्म के लिए लगाए गए पंडाल का जायजा भी लिया। आपको बता दें, वैशाली के चकफतेह निवासी जय किशोर के शहादत के बाद से ही उनके घर विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं एवं समाज सेवियों का पहुंचने का दौर जारी रहा। इससे पहले बिहार में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित कई बड़े नेता यहां पहुंच चुके हैं। देखें हाजीपुर से 24 लाइव के लिए संवाददाता सिद्धार्थ कुमार की रिपोर्ट। उनको टहलाना पड़ेगा उनके जान की। क्या कहेंगे शहीद के जो सात कार्यक्रम में आए हैं, इस जगह का भी विकास काफी तेजी से हुआ है और आगे कोई योजना है या फिर शहीद के लिए कुछ और कहना चाहेंगे? पूरा देश इस समय बिहार रेजिमेंट के उन जवानों को उनकी शहादत को सलाम कर रहा है जिन लोगों ने चीन की सीमा पर चीनियों को मार करके अपनी शहादत नहीं बताया। और हमारे देश का इतिहास भी रहा है, हमारे वीर बहादुर देश की सीमाओं की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने में कोई पीछे नहीं रहे। हम सबके लिए गर्व की बात है। जय किशोर सिंह हम लोग के राज्य के थे, युवा थे, लेकिन इन्होंने बहादुर के साथ चीनियों को मारा है तो उतनी शहादत दी। पूरा देश आज गौरवान्वित कर रहा है अपने शहीद जवानों के साथ।